हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में अवकलन स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ढंग से आपने, अगर कोई बच्चा ये वीडियो ही देख रहा है सीधी, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो भैया चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर एक अवकलन नाम की हेडिंग है, पहले वो देखना। ये तो अवकलन पार्ट टू है, जो पहला वाला अवकलन वाला पार्ट है वो जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है और यहीं से स्टार्ट करता है, तब भी मैं उम्मीद करूंगा कि उसको समझ में आएगा। बच्चों, मैंने कल अवकलन आपको सिखाया था, मैंने कहा था अवकलन लिखने का तरीका है डी बटे डी लिखा होता है। मान लो ऊपर लिखा हुआ है बाई, नीचे लिखा हुआ है एक्स, इसका मैंने मतलब बताया था बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, सही है। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, एक सूत्र आप याद कर लो, मैंने कहा था डी अपॉन डी एक्स, अगर कहीं एक्स की घात एन आ जाए, एन कांस्टेंट होगा। अब आप कहो सर एक्स की घात एक्स आ जाए तो इसे कर सकते हैं क्या? नहीं होगा बच्चों, इससे मैं बताऊंगा वो कैसे होगा। एक्स की पावर एन का अवकलन क्या था? घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई यहां तक? फिर मैंने आपको बहुत सारे सरल सरल से एग्जांपल कराए थे कल। तो डी बटा डी एक्स, मैंने कहा मान लो एक्स की पावर 10 आ जाता है, तो क्या तरीका है कि 10 तो आ जाएगा आगे और 10 में से एक कम कर देना, पावर कितनी रह जाएगी? 9। इस तरह के सवाल कराए थे। एक मैंने आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट बताया था, मान लो 5x की घात 5 आ जाता है, तो मैंने कहा था जिस संख्या से गुणा हो रहा हो उस संख्या को तो बाहर निकाल लेना, 5 को तो इसको बाहर निकाल दो और अब बच जाएगा x की घात 5। तो x की घात 5 का अवकलन कैसे किया था मैंने, कि 5 तो बाहर है ही है, घात को आगे ले लो और इसकी एक घात कम कर दो। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 5 × 5 = 25, x की घात 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। फिर मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे बच्चों, इसको मैं साफ कर रहा हूँ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ सूत्र जरूर लिख रहा हूँ, क्योंकि सूत्र भैया समय के हिसाब से याद होंगे। डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स की घात एन आ जाता है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और अब तक तो याद भी हो गया होगा। खैर, अब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था डी अपॉन डी एक्स, जैसे अंडर रूट एक्स का ले लेते हैं, हो सकता है कल किसी और क्रम में लिखे हो, क्रम बदल जाए तो कोई टेंशन मत लेना, क्यों मैं रट के नहीं आया हूं भाई घर से। डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स आ जाए। बच्चों सोचिए, सर आपने तो अवकलन करना सिखाया है कि एक्स की कुछ घात होनी चाहिए, तो बच्चों बिल्कुल अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आप इसको डी अपॉन डी एक्स ध्यान से देखना, क्या आप एक्स की पावर आधा कह सकते हो क्या? आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप याद रखना, अंडर रूट का मतलब कितना घात होता है? 1/2। वर्गमूल का मतलब घात होता है 1/3, 2, और घनमूल का मतलब होता है बच्चों 1/3। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो अंडर रूट का मतलब समझाना चाह रहा हूं। तो जो अंडर रूट है इसको हटा करके मैं चाहूं तो घात लगा सकता हूं 1/2। अब मेरा वही तरीका जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया बच्चों? सर देखो, घात आ गई ना, कुछ भी घात हो, भले ही से प्लस की हो, माइनस की हो, धनात्मक के भिन्न में, बटे में, अरे कैसी भी घात हो, कॉन्स्टेंट हो, फिक्स हो, अरे 1/2 एक फिक्स संख्या है ना, तो तरीका ये कहता है कि घात को तो ले लो आगे, 1/2 तो आ जा आगे। अच्छा, जब अवकलन कर रहे होते हैं तो फिर डी अपॉन डी एक्स हट जाता है भाई, देखना घात को तो ले लिया आगे, और सर जो इसकी घात है 1/2 उसमें से एक घटा दो, तरीका यही तो है बच्चों। घात कहां आती है? आगे, और एक मुझे माइनस करना होता है। जरा आगे बढ़िए, 1/2 एक्स की घात, बताओ तो कितना आएगा? 1/2 में से, आधे में से जब आप एक घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा बच्चों। अरे इतना सब जानते होंगे भाई, माइनस का आधा बचता है, यह आंसर है। पर यह किताबों में लिखा नहीं होता है, क्या लिखा होता है वो देखना। देखो,
जब घात माइनस क्यू, एक तरीका है कि मान लो मैंने एक बटे एक्स स्क्वायर लिखा, तो मैं चाहूं तो इसको एक्स घात माइनस दो भी लिख सकता हूं, कि जब किसी चीज को अंश से हर में या हर से अंश में उल्टा भी लिख सकता हूं, इसको ये और इसको ये भी लिख सकता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर हर में है, मैं ऊपर अंश में ले गया तो घात का चिन्ह बदल जाता है, अब एक्स घात माइनस दो बटे एक बन गया एक तरीके से, ये अंश में है, हर में लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब जब कोई चीज अंश से हर में या हर से अंश में आती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है बच्चों। तो कैसे करोगे देखना, एक बटे दो तो है ही है, माइनस किया ना ये, इसको नीचे ले जाओ, मतलब मैं इसको एक बटे एक्स की घात आधा लिख सकता हूं, क्या देखना। अरे समझ में आए तो बताना भाई, समझ में आए तो जरूर बताना किसका अवकलन करना है हमें, अंडर रूट एक्स का। मैं किसका अवकलन करना चाह रहा हूं बच्चों, अंडर रूट एक्स का अवकलन करना चाह रहा हूं। तो सर अंडर रूट का मतलब तो होता है घात एक बटे दो, ये समझ में आ गया हमें, घात को आगे लिया और आपने कहा एक घात कम कर देना, यहां तक कर दिया एक बटे दो एक्स की घात। अब देखो बच्चों एक बटे दो में से एक गया तो माइनस का आधा बचा, और जब भी कोई घात नेगेटिव में हो ना तो आप उसे ऊपर नीचे ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं एक्स घात माइनस आधे को नीचे लेके गया तो एक के बटे में चल जाएगा और घात प्लस की हो जाएगी। अच्छा सर एक गुणा एक तो कितना आएगा, ऊपर एक ही आएगा, बटे दो का इससे गुणा करूंगा तो दो तो है ही है, और क्या इस चीज को आप, क्या इस चीज को आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हो क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा एक बटे दो अंडर रूट एक्स। अब बहुत से लोग इसको सूत्र के रूप में भी सीधा याद रखते हैं, आपकी इच्छा है अंडर रूट एक्स का कितना आएगा, एक बटे दो अंडर रूट एक्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं, देखना। दोबारा देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है मेरा, कि मुझे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स सॉल्व करना है, अवकलन है एक्स के सापेक्ष अंडर रूट एक्स का। कैसे करूंगा बच्चों डी अपॉन डी एक्स, अब आप मेरे साथ बोलिए, क्या मैं इसको एक्स की घात आधा लिख दूं? बिल्कुल। अब तरीका यह कहता है कि जो घात है उसको आगे ले लो और जो भी घात है उसमें से एक कम कर दो, एक बटे दो तो है ही है, एक्स की घात बच्चों आधे में से एक घटाऊंगा तो माइनस का आधा बचेगा घात में, अब घात मुझे माइनस की दिख रही है तो इसको नीचे ले जाकर क्यों ना सर प्लस की कर दिया जाए, और जब गुणा करूंगा तो एक बटे दो एक्स की घात आधे का मतलब है अंडर रूट एक्स। तो बच्चों अंडर रूट एक्स का जो अवकलन आया वो कितना आया, एक बटे दो अंडर रूट एक्स, एक बटे दो अंडर रूट एक्स। समझ में आया कि नहीं आया ध्यान से देखो, अरे समझ में आया कि नहीं आया ध्यान से देखो, सबको समझ में आ गया होगा शायद। और देखो बच्चों दूसरा लिख लेना आराम से, समझो पहले मजे से लिखना, कोई इश्यू नहीं है, लिखा हुआ तो सब किताबों में लिखा हुआ है, बात है फीलिंग आने की, समझ में आने की। और इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जैसे मान लो सिंपल एक्स है, इसका आंसर तो एक आएगा ना, पता है ना आपको, कल बताया था मैंने dx से dx कट जाएगा एक आंसर आएगा, याद होगा आपको शायद, है ना, पर एक बटे एक्स है तो क्या होगा, एक बटे एक्स, ये भी अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैसे करें सर, घात ऊपर होनी चाहिए, मैंने एक बटे थोड़ी लिखाया है, घात ऊपर होनी चाहिए, तो क्या आप देखें बच्चों यहां एक्स घात बन मान सकते हो ना, अरे जिसका कुछ, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी एक पावर होती है, क्या मैं इस चीज को डी अपॉन डी एक्स ऊपर ले जाऊं तो क्या एक्स की घात माइनस का एक बन जाएगा। मैंने कहा था जब भी कोई अंश से हर में या हर से अंश में जाएगा बच्चों तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे घात का चिन्ह कितना है एक, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का एक हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब सर इससे कंपेयर कर लो, सर ने क्या बताया घात कितनी है माइनस एक, तो बेटा माइनस एक को तो ले ले आगे, जो भी घात है प्लस की माइनस की बटे में कुछ भी नो टेंशन, और जो घात है माइनस एक उसमें से एक कम कर दो, आगे बढ़ो, माइनस वन एक्स की घात माइनस एक माइनस एक माइनस दो, अरे नहीं आया,
अब ये घात सर नेगेटिव में है तो क्या नीचे जाके प्लस में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चों, माइनस वन तो यही है। और इसको मैं एक बटे एक्स घात प्लस दो लिख दूंगा, जब गुणा करूंगा तो माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर आपका आंसर है। मतलब एक बटे एक्स का आकलन कितना आता है? माइनस का एक बटे एक्स स्क्वायर। एक बार रफ्तार में और देखिए, एक बार रफ्तार में और देखिए, हमें अवकलन करना है वन अपॉन एक्स का। अब आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करोगे, हमें अवकलन करना है वन अपॉन एक्स का। तो हमने दिमाग लगाया कि नीचे एक्स घात एक है, नीचे से अगर इसको ऊपर ले जाएं सर, क्योंकि नीचे हम अवकलन नहीं कर सकते, एक्स घात माइनस का एक। तरीका कहता है कि घात आगे आ जाएगी और जो घात है उसमें से एक कम हो जाएगी, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और इसको नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का टू, खेल खत्म, माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों आप जल्दी से नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अच्छा और देखो, और देखो अच्छे अच्छे अंडर रूट एक्स समझ में आ गया, वन अपॉन एक्स समझ में आ गया। अब इन दोनों का एक मिला जुला सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, डी अपॉन डी एक्स, मैं कह दूं ये ले वन अपॉन रूट एक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको अभी जो मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं दोनों समझ में आ गए हैं बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ईजिली कर सकते हो। स्क्रीन पॉज करिए और आप खुद प्रयास करके देखें एक बार, जैसे भी आप प्रयास करो, गलत हो पर हो सही, वो ही तो सही, मैं बैठा हूं ना सही कराने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो? स्क्रीन पॉज करके क्या होगा आपने, आप देखो मेरी तरफ इधर। आप सर डी अपॉन डी एक्स है, सही लग रहा है। अंडर रूट को हटाकर घात एक बटे दो लगाने में कोई बुराई है क्या किसी को? क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता ही घात एक बटे दो है। अगले स्टेप में डी अपॉन डी एक्स, जब इसको ऊपर लेके गया तो एक्स घात माइनस का आधा आ जाएगा बच्चों, डी अपॉन, क्योंकि अंश से हर में गई एक तरीके से, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो अब सत्य का क्या कहता है हमारा, सर घात आगे माइनस एक बटे दो, तो जो घात है उसको आगे ले लो, माइनस का एक बटे दो हमने आगे ले लिया। और सर क्या करना है, जो भी घात है माइनस के एक बटे दो है उसमें से एक घटा दो, जो भी घात है उसमें से एक माइनस कर दो, तो बच्चों ये बनेगा माइनस का एक बटे दो, सोचना एक्स की घात माइनस आधा और माइनस का एक माइनस का तीन बटे दो, जोड़ लेना अलग से, अरे अठन्नी और एक रुपया डेढ़ होता है ना, तो माइनस का तीन बटे दो। अच्छा सर ये नेगेटिव है तो क्या नीचे ले जाएं? क्या आप इसको माइनस एक बटे दो तो है ही है, और ये नीचे जाएगा तो क्या एक्स की पावर तीन बटे दो आ जाएगा? अरे हाँ या ना? और इसी के साथ इसको देखो ध्यान से, माइनस एक बटे दो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक्स की पावर डेढ़ है, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करना। तीन बटे दो को देसी भाषा में कहते हैं हम डेढ़, और डेढ़ का मतलब होता है एक बार पूरा एक बार आधा, तो एक्स को पूरा लिखूंगा मतलब एक्स की घात एक लिख दो, और एक्स को आधा लिखूंगा मतलब एक्स की घात एक बटे दो लिख दो, मतलब वही है। ध्यान से देखो, जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है, एक्स का अगर मैं एक्स की बराबर एक बटे दो से गुना करूंगा तो एक्स के बराबर तीन बटे दो ही बचेगा। तो सर फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस एक बटे दो एक्स की घात एक, तो एक्स लिख दो, और एक्स की घात जो आधा है ना उसको अंडर रूट एक्स लगा दो। दिस इज योर फाइनल आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो गया मतलब आप कहीं नहीं अटकोगे, मेरी गारंटी है। दोबारा देखिए इसको, सारे क्वेश्चन शानदार हैं आज के, तो भाई दोबारा देखो और वापस माता पच्ची करनी है घर आज। क्या क्या किया मैंने, बोलो बोलो बोलो, देख डी अपॉन डी एक्स एक बटे अंडर रूट का मतलब होता है सर घात आधी, यहां तक क्लियर है? डी अपॉन डी एक्स इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस की आधी, यहां तक भी क्लियर है? डी अपॉन डी एक्स हटा दो इसको, समान अवकलन कर दे आप, तो घात कितनी है उसे आगे ले लो, और जो भी घात है उसमें से एक कम कर दो, माइनस एक बटे दो एक्स की घात
माइनस का आधार, माइनस का एक का मतलब है माइनस का तीन बटे दो। इसको नीचे ले जाऊंगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, गुणा करूंगा तो ऊपर तो माइनस का एक आएगा ही आएगा, नीचे दो है। और इसको ऐसे पढ़ना, सर ये तो x की पावर डेढ़ है, डेढ़ का मतलब एक बार तो x की पावर एक लगा दो और एक बार x की पावर लगा दो आधा, हो गया ना डेढ़। और ढंग से लिखूं तो माइनस एक बटे दो एक्स रूट एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको बहुत ढंग से और बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, डी अपॉन डी एक्स एक्स रूट एक्स, ये भी क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कैसे करोगे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स तो ठीक है, एक्स की पावर सर देखो एक है और इसको एक्स की पावर लिख दो एक बटे दो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक और आधा सर तीन बटे दो हो गया। और अब आपने कहा था सर कि जो घात हो उसे आगे ले लो, तीन बटे दो मैंने आगे लिया और जो घात है उसमें से एक कम कर दो। तो बच्चों देखो तीन बटे दो और एक्स की पावर, तीन बटे दो का मतलब है डेढ़, और डेढ़ में से एक घटाऊंगा तो पावर बचेगी बच्चों आधी, और आधी पावर का मतलब होता है अंडर रूट एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है अब आपको अवकलन समझ में आने लग गया होगा, क्लियर। अगर ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर लेते हो फिर छोटे मोटे क्वेश्चनों की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं रहेगी भाई, ठीक है ना। और भी कोई भी सवाल, एक आध जो मैंने और दिए थे, अच्छा एक अक्सर सवाल वन अपॉन एक्स स्क्वायर का भी बहुत आता है, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी बहुत आता है। कैसे करूंगा बच्चों, सर देखो डी अपॉन डी एक्स है ऊपर ले लो तो क्या इसको एक्स की घात माइनस दो कह सकते हैं, जब अंश से हर में हर से अंश में तो घात का चिन्ह बदलेगा, फिर क्या नियम है, पावर आगे आ जाएगी और जो पावर है उसमें से एक कम कर देंगे तो माइनस दो एक्स की पावर माइनस तीन, और सर देखो पावर वाला नीचे जा करके प्लस का हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। कहानी समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको जो मैंने पढ़ाए हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करके दिखाने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप बाद में अपने हिसाब से नोट जरूर कर लेना भाई कहीं ना कहीं बाद में ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखो चलो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर पांच बटे दो और डी अपॉन डी एक्स एक बटे एक्स की पावर पांच बटे दो, डी अपॉन डी एक्स पांच बटे दो एक्स और डी अपॉन डी एक्स पांच बटे दो एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स फाइव रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक वोटेज दो एक्स रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करके बताने हैं बच्चों, ठीक है ना।
आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो नंबरों को लेकर के। इस नंबर पर आप एक पन्ने पर इनका फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। मैं चेक कर लूंगा कितना सही है कितना गलत है। थैंक यू बच्चों।